हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है पोकेमॉन मास्टर डीएक्स के ऊपर। तो आज हम लोग जो इवेंट्स में आपका डेली रीजन रोटेशन है उसमें गैलर रीजन का एक चैलेंज चल रहा है, उसको खेलते हैं। तो हम लोग इसमें हॉप एंड जमाजन था, तो इसको मैंने आपका फुल मैक्सड आउट कर लिया है, मतलब 20 out of 20 एंड आपका 5 out of 5। एंड लियोन को यूज़ करेंगे, चैम्पियंस लियोन का जो चारिजर्स के साथ आता है आपका, मतलब सिग्नल स्वीप वर्जन नहीं है। एंड बे को यूज़ करेंगे, मतलब सरफेस एंड बे। तो मतलब ये तीनों ही मेरे पास है जो आपका गैलर रीजन का है। तो गैलर रीजन का चैलेंज में गैलर रीजन का पोकेमोन यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब बूस्ट मिलेगा, कभी बूस्ट मिलता है। तो जमाजंता का जो आपका सिंगलीड है वो आपका अटैकिंग सिंगलीड है, मतलब उसको मैंने एज अ स्ट्राइकर यूज़ करने के लिए सिंगलीड को बिल्ड किया है। आप मतलब वीडियो के पहले मैंने सिंगलीड को दिखाया, आप लोग देख सकते हैं उसको, पॉज करके आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा सिंगलीड, क्योंकि वो मतलब अच्छा खासा डैमेज देता है। एज अ स्टील टाइप सपोर्ट है लेकिन अच्छा डैमेज प्रोवाइड करेगा। मतलब आपके पास यदि जाशियन नहीं है तो जमाजंता ठीक है, क्योंकि जाशियन मेरे पास भी नहीं है, मुझे नहीं मिला था, तो जमाजंता चल जाता है। मतलब यदि आपके पास स्टीवन भी नहीं है, मतलब मेटाग्रॉस एंड स्टीवन, उसके बाद भी यदि जमाजंता होने से मतलब अच्छा खासा डैमेज होगा। मतलब गेम में आपको फ्री टू प्ले बहुत अच्छा सिंक प्लेयर मिल जाता है, मतलब इस गेम में। जैसे यदि आपके पास बेव और सरफेस नहीं है तो फ्री में आप लोगों को सोलगालियो मिल जाएगा, जो अच्छा खासा फाइटिंग टाइप स्ट्राइकर है। तो ये तो इजीली जीत गए क्योंकि तीनों पोकेमोन ही मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो अभी ना मैं आपका जो इसमें जो रिवॉर्ड मिलता है, एक टिकट जो था, तो मैं बहुत दिन से मतलब मैच नहीं खेला था लेकिन फिर भी बहुत कलेक्ट किया है मैंने। तो अभी मैं ना आपका ये जो टिकट से एक्सचेंज करते पोकेमोन, उससे पहला जो टिकट था उससे मैंने आपका जो एम्ब्रियन है उसको लिया था। तो अभी मैं इससे रायचू को ले लेता हूँ, क्योंकि एक आपका सपोर्ट मिल जाएगा। मेरे पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, स्ट्राइकर एंड टेक है, और तीन मतलब इसमें सभी अच्छा है, मतलब सब पोकेमोन, लेकिन आपका रायचू, उसके बाद एम्ब्रियन एंड जो आपका सलामेंस है वो मतलब तीनों अच्छा है। मतलब उस नेक्स्ट मेरा टारगेट सलामेंस ही होगा, अभी के लिए मैं रायचू लेता हूँ। तो अभी रायचू को हम लोग लेवल अप करेंगे, ठीक है, अभी इसको लेवल अप कर लेते हैं। ओके, एक हैचिंग हो रहा है, कंफर्म मिलता है। अच्छा, वीडल, तो एक को इनक्यूबेटर में बिठा देते हैं। ओके, अभी हम लोग रायचू को थोड़ा ये लेवल अप करेंगे, अनलॉक लेवल कैप में जाएंगे फर्स्ट। तो इसका अभी देखते कितना तक जाता है, अभी 120 होगा। I can feel my electrifying potential. I can feel my electrifying potential. Okay, 130 नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 125 भी बहुत है। अभी उसको लेवल अप करते हैं, 3-star लेवल अप का मैनुअल यूज करते हैं। तो रायचू का खासियत है कि आपका उसका स्पीड बहुत अच्छा है, मतलब एज ए सपोर्ट उसका स्पीड बहुत अच्छा है। इसको हम लोग अभी 5-star कर लेते हैं, क्योंकि उसको यूज़ करेंगे तो 5-star करना मतलब अच्छा ही होगा। हाँ, इसका स्पीड बहुत ही अच्छा हो गया अभी, मतलब ओके। अभी हम लोग इसका 2 कैंडी देते हैं, 3 out of 5 कर लेते हैं, तो इसका जो सिंगलीड होगा वो आपका फुली अनलॉक हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको लकी स्किल देते हैं,
तो एज अ सपोर्ट हम लोगों को विजिलेंस अच्छा रहता है। तो मेरे पास अभी उतना लकी कुकीज़ भी नहीं है, तो देखते कौन सा, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ठीक से खेला भी नहीं है। हाँ, वन स्टार है ये, शायद टू स्टार है। अब इसको यूज़ कर लेते हैं, देखते क्या मिलता है। टू स्टार से ज़्यादा खास नहीं मिलता है, मतलब कभी यदि लक अच्छा रहता है तो आपका जो थ्री स्टार वगैरह का जो आपका जो कुकी से जो स्किल होता है वो मिल जाता है टू स्टार से। उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लक होना चाहिए। तो मैं सपोर्ट को विजिलेंस देता हूँ, तो इसको दे देते हैं, ट्रेन माइंड दे देते हैं। कोई नहीं है, क्या है, चल जाएगा। अभी इसको सिंग्रिट का जो है ना, सिंग्रिट थोड़ा बिल कर लेते। तो मैं इसका सिंग्रिट इसे बनाए, आप लोग पोस्ट करके देख सकते हैं एंड चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग रायचू को मैच में थोड़ा यूज़ करते करके देखते हैं, मतलब कैसा रहता है। तो जो सपोर्ट ड्रिल 4 है उसमें यूज़ करेंगे, मतलब जो लेवल 125 का है उसमें आपका स्टील टाइप का है। तो उसमें हम लोग जमाजंता को देखते हैं एज ए स्ट्राइकर कैसा परफॉर्मेंस देता है, कितना डैमेज दे सकता है। एंड हम लोग तीनों सपोर्ट यूज़ करेंगे, मैं देखता हूँ। अच्छा हाँ, ये आपका साइथर को यूज़ कर लेता है एज ए सपोर्ट, तो डैमेज लेगा आपका रायचू, मतलब वो पहले हिट लेगा। तो इसमें जमाजंता को हम लोग देखेंगे कितना आपका डैमेज दे सकता है। तो रायचू मेनली आपका जो फिजिकल अटैक है उसको बूस्ट करता है एंड डिफेंस भी इंक्रीज करता है, मतलब बाकी जो सिंकर रहेगा सबका। एंड साइथर का भी है आपका फिजिकल अटैक बूस्ट करता है एंड जमासंदा भी फिजिकल अटैक भी बूस्ट करता है, और तीनों फिजिकल अटैकर है, मतलब अटैक करेगा, मतलब सपोर्ट है लेकिन फिजिकल अटैक देता है। तो 10 हर्ट्ज से आपका डिफेंस क्रिटिकल स्ट्राइक बूस्ट हो रहा है, मतलब रायचू का। अच्छा है, तो देखते हैं कितना। अच्छा 2K, अच्छा मतलब आपका सिंक मूव नहीं है, उसके बाद भी 2K डैमेज, अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। एंड आपका साइथर के साथ हम लोग उसका डिफेंस को डाउन करेंगे, तो अभी देखते हैं सिंक मूव के बाद कितना डैमेज देता है, मतलब सिंक मूव में भी कितना डैमेज देता है देख लेते हैं। मस्त है, मतलब सिंक मूव मस्त है। एनीवे तो क्रिटिकल स्ट्राइक नहीं था इसलिए थोड़ा कम डैमेज हुआ है। रायचू भी अच्छा खासा डैमेज देता है एज ए सपोर्ट। तो बिल मतलब सिंक ग्रिड में हम लोग रायचू का थंडर पंच बिल किया था, मतलब उसका जो मूव गेज रिफ्रेश होगा थंडर पंच का। अब देख सकते हैं जो बेहमत बैश है वो फोर्स गेज मूव है और अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। तो अभी देखते हैं 5K, मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब जमाजंता सपोर्ट है लेकिन एज ए डैमेज डीलर हम लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लेजेंडरी सपोर्ट पोकेमोन है सिंक पियर है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।